नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 12 अगस्त के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:32 से लेकर 12:56 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शनि के साथ युति योग करने जा रहा है और नेपच्यून के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो दो तीन बातें हैं उसके बारे में। आज का जो दिन है आपके लिए शुभ साबित होगा। घर के जो मामला थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो रहे थे, या फिर घर के जो लोग हैं, आपके कुटुंब के जो लोग हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो आज आप पूरा कर सकोगे। घर में काफ़ी हारमोनी देखी जाएगी। उसी प्रकार किसी गहन चिंतन में आप रह सकते हो, मतलब किसी भी प्रकार का जो काम है, खास करके आपके जो करियर से रिलेटेड जो काम है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच हो सकती है। उसमें कोई चेंजेस आने हैं, या फिर आपका जो काम है, नौकरी हो या फिर व्यवसाय, वो किस तरह से बढ़ाना है उसके बारे में थोड़ा गहन चिंतन हो सकता है, जो कि पॉजिटिव भी होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन है बहुत ही शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो दो तीन बातें। पहली तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा बहुत आज के दिन आप लो ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकते हो, मतलब ऐसी कोई सोच आपके मन में आ सकती है जिसके वजह से आप थोड़ा सा निगेटिव हो सकते हो, या फिर आपकी जो सोच है, मतलब उससे आपका जो पूरा दिन है थोड़ा बहुत निगेटिव हो सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन-लॉज होंगे उनसे भी आज आपको कुछ गलत अनुभव आ सकते हैं, लेकिन ये दो तीन दिनों की बात है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाएगी। जिस विषय पर आप काम करते हो, मतलब जो भी आपका करियर है, उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें हो सकती है, तो ये बात आज के दिन के लिए आपके लिए सकारात्मक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे आज छोटी मोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, या फिर आज का आपका जो मूड होगा वो उनके प्रति इतना नॉर्मल नहीं होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसों के मामले में जो भी कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम है वो आज के दिन उसमें से कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ वगैरह आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको लग रही थी पिछले 10-15 दिनों से वो नॉर्मल हो जाएगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपका मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, वैसे देखा जाए तो जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आए थे करीबन पिछले 1-1.5 महीने से, आपकी जो राशि है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको आ रहा है या फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज के दिन उसके संदर्भ में कुछ गहन चिंतन हो सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है वो कॉन्फिडेंस में जीने वाली राशि है और ज़्यादा मनन चिंतन ये जो बातें हैं वो आपके राशि के लिए सूट नहीं होती, लेकिन पिछले करीबन 1-1.5 महीने के जो अनुभव आपके पास है उसके आधार पर थोड़ा बहुत आप मनन चिंतन करोगे कि कहाँ पर आपकी गलती हुई है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है करियर के संदर्भ में, तो उसके बाद बारे में बात आपके मन में विचार होंगे। पैसों को किस तरह से अर्निंग करना है, खास करके जो व्यवसायिक है, मतलब जो व्यवसाय करते हैं उनके बारे में ये बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलने के आसार हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है पूरी तरह से घर पर बीतने की संभावना, या फिर आज थोड़ा आराम करना पसंद करोगे और आपको आराम मिल भी जाएगा, तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपकी जो राशि है वो आराम ज़्यादा करना पसंद नहीं करती, लेकिन छोटे मोटे अगर फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम आप कर दिए तो फिर आपको थोड़ा सा आराम ज़्यादा आवश्यक होता है। तो वही बात होगी, आज के दिन थोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे या फिर थोड़ा आराम करना पसंद करोगे। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि।
तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर से शनि के साथ है चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ है चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी आपका करियर है उसी के संदर्भ में आज का पूरा दिन बीतने वाला है। बिजी शेड्यूल होगा और आप जो भी निर्णय लोगे वह सही साबित हो जाएंगे। और दूसरी बात, निर्णय जो भी आपके होंगे वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए जाएंगे। तो दिन देखा जाए तो थोड़ा बिजी शेड्यूल शामिल होगा। थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस में दिखाई दोगे, लेकिन वो जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज के दिन थोड़ा आपकी जो सेविंग्स वगैरह होंगे उसके बारे में थोड़ा ध्यान आपको देना होगा। उसके ऊपर आप कुछ मनन चिंतन करोगे, किस प्रकार से सेविंग करनी है, कहाँ पर सेविंग करनी है, पैसों के मुद्दों को लेकर थोड़ी बहुत आज परेशान आप लग सकते हैं। हालांकि जो परेशानी है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसों के सेविंग के लेकर थोड़ी बहुत आप परेशान आज आप रह सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित शनि के साथ चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो आपकी जो राशि है साढ़े साथी में चल रही है और आज के दिन आपकी आप ही के राशि में शनि चंद्रमा की युति भी होने जा रही है। तो आज का जो पूरा दिन है वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित होगा। हालांकि स्ट्रेस आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पिछले करीबन 1.5-2 साल से जो भी मतलब आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से काम न होने के कारण वो जो स्ट्रेस है वो आपको ऊपर दिखाई देगा। और जो आपके मूल स्वभाव है, क्योंकि आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो एनर्जी लेवल आज के दिन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपके मन में कंटिन्यूस वो जो पिछला जो आपका समय बीता है उसके बारे में आप थोड़ा फार ध्यानमग्न रहोगे या फिर उसके बारे में चिंतन हो सकता है। तो जो पूरा दिन है थोड़ा बहुत आप विचारमग्न हो सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो बातें मतलब हुई है उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के वेय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सेहत के बारे में उनको कुछ तकलीफ हो सकती है और वो तकलीफ आगे जाके थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो वही पर ऊपर इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और उसी के संदर्भ में कुछ विचार मग्न भी आप हो सकते हो, लेकिन उससे मतलब इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे वो बाहर निकलने वाले हैं। 2-3 दिनों की बात है, आपका जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपकी के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपका बहुत अच्छा साबित होगा, खास करके आपके लाभ के बारे में। लेकिन जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी साबित होगी। खास करके वहाँ पर के जो बुज़ुर्ग लोग होंगे, जो कि आपके आयु से बड़े होंगे, उनसे थोड़ा बचकर रहना आवश्यक है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वहीं पर स्थित शनि के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके लाभ के बारे में। कोई मित्र परिवार से आपकी आज बातचीत हो सकती है। जो मित्र परिवार आपके बहुत पुराना था लेकिन उसके साथ मुलाकात नहीं हुई थी, तो ऐसा मित्र पर आपके आयु से काफ़ी ज़्यादा बड़ा, वो आपके मतलब आपके साथ उसकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन उनसे अगर आपको कुछ नई बात या फिर नई इन्वेस्टमेंट या कुछ नए प्लान आपके लिए आ जाए तो उसके ऊपर अमल इतने जल्दी नहीं करना। सोचना ज़रूर लेकिन अमल नहीं करना। तो दोस्तों, ये था दिनांक 12 अगस्त के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।